किसी से देखकर काम करना और नियमित रूप से पढ़ाई पूरी करके काम करना, कार्य में अंतर जरूर होता है। कैमरे में आकर वीडियो बनाना या फिर किसी अखबार में शामिल होकर उनके लिए काम करना, ये मत समझिए कि मैं पत्रकार बन गया हूँ। किसी मीडिया संस्थान प्रेस कार्ड इशू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कार्ड दिखाए तो आप पत्रकार बन गए हैं। नहीं, बल्कि वर्तमान के समय में पत्रकारिता की डिग्री कर लेनी बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र में खबर कलेक्शन कैसे करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, सारे विषयों में पकड़ होना भी इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार प्रमाणिक। लेकिन वर्तमान समय में अक्सर अनुभवी पत्रकारों की संख्या अधिक है। कभी कभी तो आम लोग झोलाछाप डॉक्टरों की तुलना में ला देते हैं। ऐसे पत्रकार आमतौर में चाटुकारिता दलाली अधिक करते हैं, अपने से पत्रकार घोषित करके नेता और प्रशासन की चमचाई करते हैं। आज इसी तरह दलाली के कारण पत्रकारिता का स्तर शायद गिरती जा रही है। जहां पत्रकारों को निडर निष्पक्ष से पत्रकारिता करनी चाहिए, वहां विपरीत देखने को मिलता है। हालांकि कुछ अनुभवी पत्रकार अच्छे भी हैं और बिना डिग्री लेकर निष्पक्ष निर्भीक तरीके से पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारों की कार्यशैली पर चर्चा करने का खास मकसद यह है कि कम से कम विषयों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि जागरूक हो सके और दलाली करने वाले पत्रकारों को पहचानने में आसानी हो सके। आज के वीडियो में आज इतना ही। शुक्रिया।